हाय फ्रेंड्स, यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना सिखा रहे हैं आलू सोयाबीन करी बनाना। आलू सोयाबीन करी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलू लिए, सोयाबीन लिए, सोयाबीन की बड़ी आधी कटोरी, दो बड़े प्याज लिए जिनको बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया यहाँ पे, दो टमाटर की प्यूरी बनाई है। और मसालों में हम लेंगे, यहाँ पे हमने धनिया लिया है 1 चम्मच, जीरा लिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, दो पिंच हमने यहाँ पे कश्मीरी पाउडर लिया है, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फ्राई करने के लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। कुकर यहाँ पे हमने गैस ऑन करके रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पहले हम सोयाबीन की बड़ी फ्राई करेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमारे यहाँ पे गरम हो चुका है, हम सोयाबीन बड़ी फ्राई करेंगे यहाँ पे। गैस थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। एक मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लाल होने जानी चाहिए हमारी बड़ी जो है। देखिए बड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसे अलग निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी सोयाबीन बड़ी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, इसे हम अलग रख देंगे। थोड़ा हम इसमें तेल और डालेंगे, तेल गर्म होने का वेट करते हैं 2 मिनट। तेल हमारा गर्म हो चुका, हम इसमें धनिया डालेंगे, जीरा, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। चार से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे प्याज को। प्याज हमारे हो चुके हैं, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट इसको चलाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे, इसको भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे। कश्मीरी पाउडर डालेंगे हम इसमें, गरम मसाला, नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे, ये सब मसालों को अच्छे से आधा मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच बड़ा पानी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे 2 मिनट तक हम ऐसे भूनेंगे अच्छे से। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम सोयाबीन बड़ी ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे आधा मिनट पकाएंगे। जी हाँ, अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद भी हम कम से कम आधा मिनट इसको मसाले के साथ भूनेंगे, आलू और सोयाबीन बड़ी को। जी हाँ, 1 मिनट हमारा हो चुका है, अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे।
और सब्जी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम कुकर का ढक्कन लगा कर 3 सीटी लगाएंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ पे आलू सोयाबीन करी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश करते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारी सब्जी का यहाँ पे कलर आया है। अब सर्व करते हैं हम इसको। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे आलू सोयाबीन करी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी, बस 15 से 20 मिनट में बनने वाली ये सब्ज़ी है। ओके, बाय।